दोस्तों आपका स्वागत है आशी छाया पर। और सॉरी मेरे डेली व्लॉग नहीं आया, कल मेरा व्लॉग नहीं आया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरी थोड़ी सी आप हिम्मत को बढ़ाइए, मेरी कोशिश को बढ़ाइए आप व्यूज़ दे करके। ये देखिए आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये है टमाटर तेल के अंदर और है हरी मिर्च, मैंने देखी हरी मिर्च भी काटी है। ये आज मैं बना रही हूँ थोड़े दूसरे स्टाइल में आलू बैंगन, ये देखिए ये मैंने आलू काट लिए हैं और ये है बैंगन, बैंगन को मैंने छिल लिया है, आपको थोड़े थोड़े कहीं पर छिलके इसके नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये है बैंगन, ये बैंगन है, ये आप देख रहे हैं ये बैंगन है। तो बैंगन और आलू को मैंने काट लिया है, ज़्यादा सब्जी नहीं बनानी मुझे, थोड़ी ही बनानी है। काफ़ी कई लोगों को पसंद आते हैं आलू बैंगन, कईयों को नहीं पसंद आते घर में, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। और मेरे स्ट्रेट ऑफ जितने भी हैं ठीक हैं, काफ़ी तो ऐसे हैं कि भी जिनको मैंने कपड़े मंगवाए थे और उनको पहनाए भी हैं, बैंड मैंने और मंगवाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और अभी मैं आपको उनके बारे में बात करूंगी दूसरे व्लॉग में, स्ट्रे डॉग के बारे में। तो अभी हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो ये देखिए ये है बैंगन आलू और अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाला है, ये आप देख सकते हैं गर्म मसाला मैंने डाला है इसके अंदर। और मैं अपने व्यूवर्स को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग देने की। और अब मैं जल्दी ही फ़ोन ले लूँगी तो मैं बाहर के ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी आउटडोर। ये देखिए ये डाल दिए हमने इसमें बैंगन आलू, ये देखिए ये बैंगन आलू मैंने डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और आंच थोड़ी सी कम कर देंगे, हल्की आंच पे बनाइए, खाना हमेशा अच्छा और लजीज बनेगा और रिच बनेगा, फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे इसके। जैसे आप मेहनत करते रहेंगे उसी हिसाब से फ्लेवर भी आएंगे। तो अब हम इसको ढक देंगे एक मिनट, ये देखिए अब ये हो गया कवर, इसको हम ढक देंगे ऐसे और गैस कर देंगे कम, ठीक है। ये देखिए ये है हमारी किचन के बाहर विंडो, विंडो में से आ रही है बहुत अच्छी धूप, बाहर धूप निकल गई है, ये देखिए सनलाइट है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये मैंने छोटे छोटे से प्लांट है मेरे, ये चिली प्लांट है और इसके अंदर भी मैंने प्लांट लगाया है, रूह अफ़ज़ा की बोतल में लगाया प्लांट, ये ऐसे हैंग हो जाएगी, मैंने हैंग भी किया हुआ इसको, पर अभी मैं इसको धूप में रखती हूँ ना इसलिए मैंने इसको हैंग नहीं किया। और ये चिली प्लांट है एक, ये देखिए छुटकू सा मेरा पौधा ये बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने छोटा सा खेत, कैसा लग रहा है ये देखिए, अच्छा है ना। और एक ये है, और आप सब लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और बने रहिए हमेशा, आगे बढ़ाइए मेरे ब्लॉग को और बने रहिए हमेशा आशी छाया के साथ। थैंक यू।